हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जैसा कि हम हैं अभी अपने मायके में, सुबह के बज रहे हैं अभी 6 और हम देखिए पहुंच गए हैं गंगा नदी के किनारे, जा रहे हैं, अभी रास्ते में हैं। तो अभी रास्ते का नज़ारा आपको दिखा देते हैं। थोड़ा थोड़ा फॉग हो रखा है और पिछले 3-4 दिनों से ना काफ़ी ठंडी पड़ रही है इधर साइड, क्योंकि गांव में जो होता है ना एरिया खुला खुला होता है, बहुत ज़्यादा घर नहीं बने होते हैं, और जो भी बने होते हैं घर वो थोड़े दूर दूर होते हैं। और सभी लोग हमारे यहाँ सुबह सुबह गंगा नहा करके लौट रहे हैं और हम भी जा रहे हैं। रास्ते में हमको मिल गई थी मम्मी, चाची और ममता बुआ, ये लोग रिटर्न हो रहे थे नहा करके। तो हमने ममता बुआ को रोक लिया कि मैं अकेले जा रही हूँ, मेरे साथ आप चलिए। तो ममता बुआ हमारे साथ जा रही है गंगा नहाने और हम मंदिर के पास पहुंच गुड गए। मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं अभी 7 और देखिए ममता बुआ गंगा नहा चुकी हैं और हम उनके साथ उनको फिर से लेके जा रहे हैं क्योंकि मैं नहीं नहाए हुए हूँ और मेरा आज बहुत मन था कि आज कार्तिक की है तो गंगा नहा लिया जाए, तो इसीलिए मैं आज गंगा नहाने जा रही हूँ। और ठंडी बहुत तेज़ है, लेकिन पैदल चल के जब 1 किलोमीटर जाओ ना तो गर्मी लगने लगती है ना बुआ। पूजा जो सब कर आई होंगी ना। हाँ, सब खाया मन आज था नहाने का। मैं कही मम्मी तो डराती गंगा जी में घुसे। हाँ, ढेर ला रहे थे कि बहुत सुबह का नज़ारा है, बहुत ज़्यादा फॉग हो रखा था गंगा नदी के किनारे। अभी ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ नहीं है, कुछ लोग गंगा नहा रहे हैं, कुछ लोग नहा के जा रहे हैं, बस यही है हो रखा है। और उसके बाद हम आ गए थे मंदिर का, आपको नज़ारा दिखा देते हैं। मंदिर में अभी सब लोग पूजा कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को गंगा नहाने के बाद शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और पंडित जी, पुजारी जी जो है मंदिर के, वो भी अपना सुबह सुबह पूजा पाठ में लगे हुए हैं। तो हमारे गांव क्या, बहुत दूर दूर जो आसपास के जितने सारे गांव हैं सभी लोग बहुत दूर दूर से गंगा नहाने आते हैं सुबह सुबह। और यह पीपल का वृक्ष, बहुत ही पुराना वृक्ष। हम लोग पूजा कर चुके हैं, नहा भी चुके हैं और सुबह सुबह मैंने जैसा बोला ना कि वॉक करके आए तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगी। तो अभी गंगा मैया के दर्शन भी हो गए, स्नान भी हो गए, भोले बाबा की भी पूजा कर ली और अब हम लौट रहे हैं घर। देख सकते हैं ममता बुआ हैं साथ में। ममता बुआ अपना भगवान का जाप करती हुई चल रही हैं, ओम नमः शिवाय। और इधर साइड इतने सारे ये बुआ का है कि पेड़ है, यही सरपत, सरपत आई। हाँ, सरपत बेहा, सरपत हाँ हाँ बेहा सरपत पूरा छाए रहते हैं, बरसात में तो डर लगता होगा। हाँ, बहुत है। इस सीजन में नहीं डर है लेकिन बरसात में डर लगता होगा। हाँ, हाँ, जीव जंतु का। हाँ, सही कह रही। रोड अभी शांत है और अभी तो आज घाट में सुबह सुबह भीड़ कम थी, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा ना वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जानी है। घाट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और हम बाहर निकले हुए हैं और आज इतना बादल हो रखे हैं तो जिसके चलते सूर्य भगवान ना बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा थोड़ा सा अभी छलक आना शुरू हुई है सूर्य भगवान की, देख लीजिए। और बच्चे सब वहाँ बाहर खेल रहे हैं, ये यहाँ सब बैठे हुए हैं, बाबा हमारे बैठे हुए हैं, तो अभी आपको को दिखाते हैं बाहर का व्यू आपको दिखाते हैं। यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए थे और गुड़हल के फूल खुले खिले हुए हैं, पीले पीले, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और काफ़ी सारे पूजा के लिए फूल यहाँ पर मिल जाते हैं। और सुबह सुबह घर में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल हो रखी है। ओजस, आद्या और अक्षत तीनों लोग सो करके उठ गए हैं और ये लोग मस्ती में लगे हुए हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे इन लोग का खेल चल रहा है, किचन सेट लेकर के ये लोग गेम खेलने में लगे हुए हैं और सारे बच्चे ना खूब मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं फाइटिंग भी शुरू हो गई और ये दोनों जहाँ रहते हैं वहाँ फाइटिंग ज़रूर होने लगती है। और धरती तो बहुत शांत है, वो आराम से खेल रही है। बाबा हमारे बाहर बैठे हुए हैं और लोग उनसे मिलने जुलने वाले लोग सुबह सुबह आते जाते रहते हैं। तो अभी बाबा के पास देखिए कौन खड़ा हुआ है, हम तो ठीक से पहचानते नहीं। और अक्षत अभी मस्ती में लगे हुए हैं, ममता वो अपने काम में लगी हुई है। तो ऐसे ही मायके में सुबह सुबह सब
अपने अपने काम में लग जाते हैं। का टाइम था, हम छत पे आ गए हैं क्योंकि अभी कुछ काम था जिसके लिए मुझे छत पे आना पड़ा है। हमारे यहाँ एक दादी हैं, उनका पीछे उनका घर पीछे ही बना हुआ है, तो उनके यहाँ निमंत्रण, वो सबको ब्राह्मण खिला रही हैं, तो उन्हीं के यहाँ मुझे जाना है। तो मम्मी कह रही तुम चली जाओ, तुम जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बेलती हो, उनका खाना बनवा लो, तो जितना जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी सबका निमंत्रण भी हो जाएगा। तो बस अभी हम लोग यही सोच रहे थे कि मम्मी आज मेरी पैकिंग करने में लगी हुई हैं क्योंकि मुझे निकलना है, और हम लोग को आते हैं निमंत्रण वाली जगह पे। और यहाँ पे देखो नेहा किस काम में लगी हुई है, यहाँ पे सुबह सबके धुले हुए कपड़े नेहा छत पे लेके आ गई थी, तो सब कपड़ों को डाल रही है सूखने के लिए। और छत पे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी धूप अब दिखना शुरू हुई है, और वैसे आज का वेदर काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी है, बहुत ज़्यादा बारिश होने के भी चांसेस लग रहे हैं, और अब जैसे ही बारिश होगी वैसे ही ठंड बढ़ जाएगी, ठंड भी बढ़ जाएगी, है ना। तो देख सकते हैं अभी यहाँ से गंगा मैया, पहले गर्मियों के टाइम पर देखो ना तो एकदम साफ साफ सी दिखाई देते थे, दर्शन होते थे, और अभी फॉग के कारण कुछ भी दिखाई दे रहा है। ले लो दो, ले लो ले लो, एक दिया बस, एक भैया का है, अभी मैं दूंगी। फेंक देगी क्या? फेंक देगी क्या पैसा? अरे फेंक देती है फाड़ के। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और चाची हमारी विदा विदाई कर रही है, तो नीतू हमें हमारे पैर यहाँ पे छू रही है। चाची आज कुछ स्पेशल बनाई थी, क्या बनाई थी बता देते हैं आपको, कढ़ी बनाई थी, तो आज हमारा निमंत्रण भी है, तो कह रही है कि तुम कढ़ी लेती जाओ, कढ़ी चावल खा लेना तुमको अच्छा लगता है, तो वही हम कढ़ी ले लिए हैं। और आद्या को नीतू यहाँ पे खिला रही थी और कह रही थी कि अब तुम्हारी विदाई हम अपने घर से कर देते हैं क्योंकि तुम्हें पता नहीं कितने समय तक जाना है, तो हमें उस टाइम पता नहीं हम लोग क्या करें, तो मेरी अभी से ही विदा विदाई हो रही है और इसके बाद आज हमें कहीं और भी जाना है, और कहाँ मेरा निमंत्रण है वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी, तो उनके यहाँ भी मुझे जाना है। चाची आज का है मुझसे मैचिंग पहन ली है, जानते थे कि पहननी है ना, ये लिए हमारी चाची और अतुल सब लोग आए हुए संगम नगरी से, संगम नगरी में। हम चाची से कह रहे हैं कि चाची आपकी कंप्लेन लिखाने आए हैं, आप शादी में हमको क्यों नहीं बुलाई, चाची से मिस हो गया है, तो अब नेक्स्ट शादी में हम लोग फिर इलाहाबाद जाएंगे, लड़की ढूंढ के रखना। सही है, कभी आती नहीं, इसको खिलाते नहीं हम आज, ये दरबार बहुत करता है ये। जैसे गांव में सबका परिवार होता है वैसे हम लोग का भी परिवार है बहुत बड़ा, चाचा दादा का, तो अभी ये हमारे चाचा है जो इलाहाबाद में रहते हैं और अभी आए हुए हैं छुट्टियों में, यहाँ पे शादी है गांव में परिवार में, तो उसी के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। और वहाँ गए थे चाची से, हमने अक्षत को रेडी कर दिया कपड़े वगैरह पहना करके, और अक्षत और ओजस दोनों को पता चल गया है कि आज जाना है, और यहाँ पे ओजस की हो रही है मालिश सुबह सुबह, इनको भी मम्मी अपना तैयार। अब तुहार मर्जी यार, हेलीकॉप्टर से ले आओ, लैंड करे के जगह नहीं ना, लेकिन इधर व्यवस्था साथ आया। हाँ।
हमारे दादी दादा दोनों पूड़ी बना रहे हैं। दादी कचौड़ी डालती जा रही है, दादा पूड़ी निकाल रहे हैं और सभी ब्राह्मणों को बुलाने की तैयारी हो रही है कि सारे ब्राह्मण इकट्ठा हो जाए तो फिर सबको खाना खिलाया जाए और गर्मा गर्म पूड़ी और कचौड़ी। और इस निमंत्रण की ना बात ही अलग होती है, कितना भी कर लो ये निमंत्रण ना खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। तो अभी देख सकते हैं ममता बुआ और चाची दोनों लगे हुए हैं बेलने के काम में। आधा दे दो मामी को, थोड़ा फोन करना, फोन करके दे देंगी, दे दो फिर आप। चाची पूरी बेलना कब हुआ? बुआ की वीडियो बनाओ दे बुआ लखत तो वही है, लखत ये खूब बात करती है, सबको हेलो हाय करती है ना। दादी क्या बढ़िया फोन उन भी सब लगा दी है। अच्छा तो दादी ने कुछ पानी नहीं, कौन देता है? नहीं नहीं इधर पीने तो अपने आप है। अरे वाह, यही यही कायम है। चने का साग भी बोई है क्या? चार पैसे उठ के उठ के। अच्छा अभी दिखाती हूँ, चने का साग है सब पूरा यहाँ। दादी एक दिन के लिए आई है लेकिन पहले से सारी व्यवस्था है। चने का साग ये दादी उधर क्या है? केला है उधर क्या है? केला हल्दी है। हल्दी गांठ वाली जो हल्दी होती है। और ये अरहर है। तो ये देखो दादी चने का साग खूब सारा लगा के रखी हुई है। मेरा ऐसे ही अनायास तोड़ के खाने का मन कर रहा है। ऐसे कितना बढ़िया लग रहा है तोड़ के खाने में। तो हम लोग बैठ करके यहाँ पे पूड़ी बेल रहे हैं और ममता बुआ दादी और चाची और हम बेल रहे हैं। ममता बुआ और दादी निकाल रही हैं और आज दादी ब्राह्मण खिला रही हैं सबको। तो दादा सबको बुलाने गए हैं, अब जैसे जैसे सब लोग आते जाएंगे वैसे वैसे सबको खिलाते जाएंगे। तुमको भी आना है? ये झांक रहा है इसको दिखा देते हैं, ये देखो कर्टेन के पीछे सभी ब्राह्मण आ गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग बैठ गए हैं और सबको थाली इस तरीके से गांव में निमंत्रण खिलाया जाता है। तो सबको सबको खाना जो है वो दादी परस रही है और सब लोग बैठ करके खा रहे हैं। और हम भी आ गए थे, नीतू बुआ भी आई हुई है क्योंकि नीतू बुआ के ही भाई की शादी है परिवार में। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस आदिया फैमिली चैनल।